मांग रहे 4-5 करोड़ रुपया दे दूं और एक दरवाई दे दूं मस्त सी। सेंटा क्लाउज सेंटा क्लाउज पहले तुम मुझे दे दो मुझे जान लग रहा बहुत जूते कपड़ा दे दूं तुम्हें तो मुझे बस से नहीं। अरे यार गदड़िया 25 दिसंबर आ दे भाई ये कुछ तो ऐसे रोज जैसे तो यम्मा को बर्थडे आ दे भाई हुए 25 दिसंबर को कहा है ऐसा 25 दिसंबर को। अरे यार गदड़िया तो ते बहुत मेरा कह दे ये कि अम्मा के बारे में बात मत किया करे तो मेरी सास के तू ये बता कहा है तेरे 25 दिसंबर को मतलब जा दुनिया में कहा चल रहा है तो बाके बारे में पता ही नहीं लेकिन पता तो तू इतना बचल है जब तू अपनी भैंस को गोबर डालवे पे ते पुस्सते मिले तो मेरी सास के गोबर ही तो डाल रहे हूँ कोई चोरी चकारी तो करे जा रहा ना कोई के घर पे गोबर उड़ा रहे वो तो काम हुआ हमारे तो करना पड़ेगा लेकिन तू ये बता कहा है ऐसा 25 दिसंबर को बता तो क्यों ना है फिर। अरे यार गदड़िया 25 दिसंबर है यानी क्रिसमस डे की बात कर रहा है बड़ा दिन हो गया 25 दिसंबर को। अरे मेरी सास के कोई दिन बड़ा और छोटो ना हो गए सब एक उसे दिन हो गए और साले हो तो मैं ये बताऊ तुम अंग्रेजों की संस्कृति को यहाँ ला रहे हो और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हो। मेरी सास को हर दो दिन पीछे कोई नया दिन आ जाते कहूँ ये दे कहूँ वो दे कल तू दे परसों बाबू पप्पी दे पलान दे ये दे मेरी सास को ना जाने का चल रहा है दुनिया में। अरे यार गदड़िया तू रेंदे करे ये तो अन्न की वजह से एक दिन एंजॉय करे के लिए तो मिल जाते है और बैस तो पते है यार आज कल इतना टाइम खाए आदमी पे वो तो कमाऊ कमाऊ तो और आ जाते है तो पूरी फैमिली ऐसे खेल लेते है यार पूरा दिन एंजॉय जाते है। अब यहाँ में कौन सी संस्कृति वगैरह खराब है रही है तू बताइयो अपनी अपनी संस्कृति टूटे बात को चेंज कर सकते हो बताइयो। अरे गदड़िया सुने 25 तारीख की सुन के मेरे दिमाग में एक प्लान आया मस्त सो बातें अपना पीवे को बंदोबस्त है जागो तो फिर बताना मेरी सासों के कब बता देगो फिर तो गदड़िया प्लान कछु ऐसो है कल मोहल्ले में मांगते हैं क्रिसमस डे का चंदा और करते हैं कुछ धंधा कुछ पैसों के बांट देंगे बच्चों को गिफ्ट और बचेंगे बिनते लगा देंगे अपन पे को क्यों गदड़िया कैसो लगो तो मेरा प्लान हो तो बना देंगे सेंटा। अबे साले मैं बनाऊंगा घंटा मैं ना बनना है सेंटा पेंटा ये कौआ बन जाओ। अरे मेरी सास के गदड़िया ये कौआ ना है तो कछु बनाए भी लायक तो फिर तू बन जाना नहीं। अरे यार गदड़िया तू एकदम मस्त सेंटा लगेगो तू सफेद दाढ़ी मूछ पहननी और सेंटा भाई कपड़ा पहननी है और बुट्टो पा लगाना बस से और तू बिल्कुल सेंटा जैसा लगा तू देख अब सेंटा जैसा लग रहा भाई साहब। तू ससुर के नाती ये बताए मैं कौन से एंगल पे तो सेंटा लग रहा हूँ कैसे नजर आ रहा हूँ मैं सेंटा बताइयो। ए यार तू लगा तो यार गदड़िया सेंटा जैसा बिल्कुल ले। अरे यार पर ये नकली दाढ़ी और मूछ मिलेंगी कहाँ मेरी सास के बाजार में सब कछु मिल जाते है नकली दाढ़ी नकली मूछ नकली बाल कपड़ा सब कछु मिल जाते है और बहुत सी तो मेला लगा के घूमते नकली बाल तो ये कैसे पता है कि महिलाएं नकली बार लगा के घूमती हैं। अरे यार गांव को बोरे पाला तो है का बाने और बाकी बहू में एक दिन लड़ाई हो गई थी तो बाने बा को जूड़ो पकड़ के खींच दियो तो सब बाल बाके हाथ में आ गए थे तब जाके मुझे पता पड़ो कि ये तो गंजी है यार। अच्छा तभी मैं सोचू यार बात पे गंजी कह देते तभी चिड़ क्यों जाते है वो। अरे यार कैसी बात कर रहा है यार अब नहीं चिड़ेगी तो कब चिड़ेगी यार बातें तू गंजी के बेगो और वो गंजी पहलते ही तो चिड़ेगी वो तो यार। हाँ यार जा बातें तो तू सही कह रहा है। अरे यार गदड़िया तू एक बात बता यार तो नकली सेंटा बनने में दिक्कत कहाँ आ रही है। अरे यार दिक्कत की मत पूछे बस से तू पिछली बार मजाक में गंबन ने सेंटा बना दो यार मैं और टाइम पे तो यार मैंने बहुत VIP दाढ़ी और मूछ रखा रखी थी मैंने अपनी। अब मुझे क्या पता है यार ये छोटे छोटे बालक इतने उदमी होते हैं मेरी सास को एक रेंगटा सा बच्चा आया और मेरी दाढ़ी पकड़ के लटक गयो और मेरी दाढ़ी को नकली तो नहीं है जैसे ही मेरी सास को वो लटको मेरी खाल पटके बाकी हाथ में आ गई बता मेरी सास की दाढ़ी मूछ ना ही नहीं है तो बड़ी आफत है गई। अच्छा तो मुझे आज पते पड़े हैं जब इते हैं दाढ़ी मूछना आते हैं आया तो कह रहे आई ना है जय बजे ते ना बन तो मैं बस से। ए यार तो गदड़िया तू टेंशन क्यों ले रहा है
अब की बात तो नकली दाढ़ी मूछ लगा रहे हैं ते तू क्या घबरा रहे हो? ए तो मेरी सास के बच्ची बच्चन को का पते हैं वो दाढ़ी की जगह कछु और पकड़ के लटक दे तो फिर मैं खा डोलेंगो। ए यार गदड़िया कैसी बात कर रहा है यार, और काहे पकड़ेंगे की ये बच्ची बच्चा? ए यार का भरोसा बच्ची बच्चन को मैं कपड़न पे पकड़ के लटक दे तो मैं पास तो ले दे के ये की बनाना है ये फट गई तो फिर आप पते आ जागी। तू रेंदे यार बस गदड़िया, तू कछु काम लायक ना है भाई साहब, वैसे तू गांव को गैंगस्टर बन के पित्तू है। ए यार तू रेंदे कर बस से, सब बच्ची बच्चन को मनोरंजन है या तो हमारी टाइम पास है जाती कल बढ़िया। चले अब तू इतनी कह रहा है तो मैं बन जातू सेंटा क्लाउज, चलो अब चंदा मांगते और कल प्रोग्राम जमाते मस्त। हाँ चलो रे चलो। The next day. चोरे मेरी सासु के तोता, अमन ने कब को डेकोरेशन वगैरह सजा के तैयार कर दियो, अभी तक तो सेंटा क्लाउज आयो ना है। मेरी सासु क्यों क्रिसमस डे के नाम पे चंदा मांगे मुंह के खाए गए पैसे ने से गन्ने? नहीं। ए यार बाला तो सेंटा क्लाउज जो कछु गिफ्ट मांगेंगे वो ही गिफ्ट लाके दे देगा तुम्हारे काबो। तो अभी तक तो आयो ना है सेंटा क्लाउज बाबा, पते ना है कब तक आवेगो। अरे चटोरा बाबा बस थोड़ी देर रुको। वैसे मैं जो गिफ्ट मांगेंगे वो दे देगा का? अरे चटोरा बाबा बिल्कुल नहीं मिलेगा तुम्हारे का गिफ्ट। और मैं तो भाई साहब अपने लिए लुगाई मांगेंगे क्योंकि जाड़े पर रहे हैं बहुत भयंकर, भाई साहब बनाए कट रहे है। मेरी सास के चटोरा बाबा वो टोपी वगैरह वैसे आइटम दे तो बच्ची बच्चन वाए। बस बच्ची बच्चन वाए ये आइटम देवेगो? और का तुम जो मांगेंगे वो आइटम दे देगो तुम्हारे का लायक है नहीं? अरे यार हमारी गदड़िया ने सेंटा क्लाउज बनवे में ना जाने कितनी देर लगा ली, अभी तक तो आयो ना है। ए मेरी सास के चुप है जा, पते नहीं चलने चाहिए को हुआ के गदड़िया आयो सेंटा क्लाउज के रूप में। ठीक है रे ठीक है। ए यार पते ना कब तक आवेगो सेंटा क्लाउज तुम आयो यार। ए यार बीरपाल तेरे इतना इंतजार कर ले तो पे और ना करो यार थोड़ी देर। नहीं चल ठीक है थोड़ी देर और इंतजार करके देख ले तू। दो 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 चल चल बचाओ बचाओ मेरी सास के कुत्ता पीछे पर रोए। गयो गयो अब तो गयो। अरे वाह बेटा तुमने डेकोरेशन तो बहुत बढ़िया करो भाई साहब क्रिसमस डे को। अरे डेकोरेशन तो मैं नहीं करो है, बढ़िया क्यों नहीं होवेगो? बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, अब तुझे बता क्या गिफ्ट चाहिए? बस ज्यादा कछु ना मांग रहे, 4-5 करोड़ रुपया दे दो और एक गरवाई दे दो मस्त सी। बे ये सब चीजें नहीं देता मैं। सेंटा क्लाउज सेंटा क्लाउज पहले तुम मोए दे दो, मोए लग रहा बहुत जूते कपड़ा दे दो तुम्हें तो मोए बस। तेरे घर पे कपड़े नहीं है क्या पहनने के लिए? अरे सेंटा क्लाउज का बताऊं मैं पास ना आया तो एक जोड़ी कपड़े निकल गया मान लो चड्डी में डोलो कत्तो पूरे दिन। चल कोई बात नहीं तेरे को मिल जाएंगे कपड़े। अरे सेंटा बाबा मोए तो तुम्हें एक देसी को पौआ दे देऊं। चल हट मेरी सास के पौआ रखे हैं मेरे पास दे दे तू है और कुछ मांग। तो फिर एक लॉलीपॉप दे दे मोए तो तुम। ठीक है लॉलीपॉप मिल जाएगी तुम्हें। देखो सीधी सीधी बात है मोए तो कछु बढ़िया सो आइटम चाहिए मैं को बायो। क्या चाहिए तुझे बता? एक BMW दे दूं पित्तम मोए। अरे मेरी सास के ये हमारे बजट से बाहर है और कछु मांगे। तो फिर एक बुलेट गाड़ी दे दूं। मेरी सास के कजेला को बेसो ये आइटम मांग ले 10-20 रुपया बायो तो एक आगू दिक्कत है रही है रे, मैं तो कछु मांगू। तो फिर एक काम करो तुम मेरे का एक गर्ल फ्रेंड दे दूं बढ़िया सी। नहीं सास के तेने 3 रुपया चंदा में दे तू इतने महंगे महंगे आइटम मांग रहे हो गदड़िया तू तू खा के आ गयो यहाँ में? तो नहीं सास के असली सेंटा क्लाउज आ रहे हो ते का यहाँ दाम में सॉरी गदड़िया सॉरी। हाँ तो दोस्तों आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी क्रिसमस डे, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दियो और एक प्यारी सी कमेंट कर दियो और चैनल पे नए हो तो चैनल कर दियो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय।